हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ही देखें और वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो वीडियो हमारा होने वाला है आज का, वो टॉपिक है कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में। हम कॉपीराइट स्ट्राइक को कैसे हम रिमूव करते हैं और कैसे हम उसकी प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से देखना पूरा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे कि आपको कॉपीराइट क्लेम मिलता है, मान लीजिए आपने किसी और का कंटेंट यूज किया है, तो जिसका कंटेंट आपने यूज किया है, जो भी वीडियो का ओनर है, वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले आप कहाँ पर चेक करोगे आपको कॉपीराइट मिला है। तो मैं आपको सारी प्रोसेस करके अच्छे से बता देता हूँ, समझा देता हूँ कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको वीडियोज़ में जाना है, वीडियोज़ मैनेजर में। उसके बाद आपको जाना है कॉपीराइट नोटिस के ऊपर। तो सिंपली आपको वहाँ पे क्लिक करना है। आप यहाँ देख सकते हो जैसे कि मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है। वैसे तो मेरा हटने वाला है, लेकिन मान लीजिए आपको कोई, जैसे आपने किसी का कंटेंट यूज किया है, तो वो आपको सिंपली आपको कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। और आप उसको कैसे रिमूव करोगे, क्या उसका प्रोसेस है, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस आज बताने वाला हूँ। जैसे आपका कॉपीराइट क्लेम होता है, उससे आपको आपकी वीडियो पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ आपकी जो है अर्निंग शेयर हो जाती है। लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक का रूल ये होता है कि अगर आपके चैनल पे तीन से ज़्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, तो आपका चैनल जो है सस्पेंड हो जाता है, डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो उससे बचने के लिए आपको करना क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास एक ये कॉपीराइट स्ट्राइक है, तो मैं आज जो है यहाँ पर उसको चेक करने वाला हूँ, और जो है मैं उसके ओनर को मेल करने वाला हूँ। कैसे हम मेल करते हैं, क्या हमें मेल में लिखना होता है स्ट्राइक के बारे में, कैसे हम उसको हटवाएंगे। तो सिंपली आप यहाँ देख सकते हैं मुझे कॉपीराइट जो है स्ट्राइक मिला है, कब मिला है, आप यहाँ सारी चीज़ें देख सकते हो। और ये जो एक्सपायर होने वाला है, ये होगा 19 अक्टूबर को, नेक्स्ट मंथ। तो मैं इसके लिए आज एक प्रोसेस करने वाला हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप दो तरीके से जो है इसका प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, आप जो है जिसने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है, उसका आप यहाँ मेल देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ उसका मेल आईडी और जो है उसका चैनल नेम, और किस थ्रू उसने दिया है, मैन्युअली दिया है या फिर ऑटोमेटिक जो है यूट्यूब ने स्ट्राइक दिया है। तो ये ऑटोमेटिक यूट्यूब ने नहीं दिया, ये मैन्युअली दिया गया है, और ये चैनल द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट के द्वारा। और हम आज देखेंगे कैसे हम इसको रिमूव करेंगे। सबसे पहले तरीका ये है कि आप यहाँ से सिंपली जो जिसने आपको जो है कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है, आप सिंपली इसको मेल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं आपका जो है कंटेंट यूज नहीं करूँगा। अगर आपके वो बात मान जाता है, तो आप जो है आपका कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाएगा, अगर वो चाहता है तो ओनर। अगर वो नहीं चाहता कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं हटे, तो उसके लिए एक प्रोसेस है। आप यहाँ देख सकते हो आपके पास दो ऑप्शन है, रिक्वेस्ट रिट्रैक्शन और सबमिट काउंटर नोटिफिकेशन। तो सबसे बेस्ट है रिक्वेस्ट वाला जो आपको प्रोसेस पूरा करना है, क्योंकि जो है सबमिट काउंटर वाला ऑप्शन आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसमें अगर आपको कंफर्म है कि आपका कंटेंट है, तो आप सबमिट काउंटर नोटिफिकेशन में आपको कुछ प्रूफ देना होता है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। सिंपली आपको रिक्वेस्ट रिट्रैक्शन पे आपको जो है सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है यू रिमूव ए वीडियो, तो आपको सिंपली यहाँ पे आपको कॉपीराइट youtube.com पे आपको क्लिक करना है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है मेल पे, और आपका जो है मेल ओपन हो जाएगा। और आपको यहाँ पे लिखना है सिंपली कॉपीराइट स्ट्राइक रिट्रैक्ट। तो फ्रेंड, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिंपली आपको ऐसे ही लिखना है। और जैसे मैं आपको आपको मेल दिखा देता हूँ कैसे आपको मेल लिखना है और क्या आपको मेल में लिखना है। तो मैंने कुछ टाइप करके रख लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और आपको सेम चीज़ें जो है अपनी, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपको सेम ऐसे ही लिखना है यहाँ पर, और आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको जो है सब्जेक्ट मैंने डाल दिया ऑलरेडी, तो मैं यहाँ सब्जेक्ट हटा दूँगा। आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ये आप देख सकते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है।
ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इसमें लिखना है आपका कॉपीराइट जो आपको वीडियो पे मिला है, तो उसका आपको जो है वीडियो का टाइटल लिखना है, क्या वीडियो का टाइटल था और वीडियो का लिंक। तो मैं यहाँ सिंपली इसको यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे जो है वीडियो का टाइटल मैं यहाँ से ले लेता हूँ। आपके मेल पे भी जो है एक नोटिफिकेशन आया होगा इसके रिगार्डिंग, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपका यहाँ पे मैं इसको जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपली सिलेक्ट करके और मैं जो है यहाँ पे डाल दूँगा। आपको भी सिंपली ऐसे ही करना है और कोई आपको चेंजेस में नहीं करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ देख सकते हैं आप वीडियो का यूआरएल, आपको सिंपली यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे सिंपली वीडियो का यूआरएल आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे कैसे आप निकाल सकते हो। मान लीजिए आपका ये वीडियो है, तो आपको जो है एक बार बैक जाना है। बैक जाने के बाद सिंपली आपको जो है अपनी वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ से आप अगर अपने लैपटॉप या अपने किसी और दूसरे ब्राउज़र से आप जो है सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ से उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आपके जो है मेल पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं और आप इसको सिंपली यहाँ से कॉपी यूआरएल कर सकते हैं और यहाँ पे आपको जो है पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको जो है अपना यहाँ चैनल नेम डाल देना है, और आप जैसे मैं अपना चैनल नेम डाल देता हूँ यहाँ पे टेक्निकल देव। आपको सिंपली यही बिल्कुल जैसा मैंने लिखा है आपको सिर्फ ऐसे ही कॉपी करना है और आपको जो है सिंपली आपको यहाँ से मेल कर देना है। अभी आपको 24 आवर्स के बाद आपको जो है रेस्पॉन्स मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो है ये यूट्यूब वाले आपका जो आपने जो मेल किया है यूट्यूब को, तो आपका मेल ओनर के पास जाएगा, उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि आपका जो है कॉपीराइट स्ट्राइक हटा दे, नेक्स्ट टाइम आप जो है इनकी वीडियोज़ को अपलोड नहीं करोगे। तो सिंपली आप यहाँ से जो है अपना कॉपीराइट स्ट्राइक हटा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था पूरा प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया आप जो है वीडियो रोक के इसको ट्राई कर सकते हैं और आपका जो भी कॉपीराइट स्ट्राइक है वो यहाँ से हट जाएगा, आपके चैनल पे कोई जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। तो सिंपली फ्रेंड्स इस वीडियो में यही था, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।